तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। और 4.2 पढ़ने से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रॉपर्टी को देखे थे, और मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो हैं प्रॉपर्टी के लेक्चर को देखें, उसके बाद में आप इस लेक्चर पे आएं। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी नहीं समझते हो सबसे पहले, तो आपके लिए ये लेक्चर देखना बेकार है। ठीक है, तो देखिए, Using the property of the determinant and without expanding in exercise 1 to 5, prove that. आपको प्रॉपर्टी की मदद से इसे सॉल्व करना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको एक्सपेंड करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर आप यहां से देखें तो प्रॉपर्टी फिफ्थ में मैं आपको बताया था, अगर आपके डिटर्मिनेंट्स में कोई रो या कॉलम दो या दो से ज़्यादा टर्म में एक्सप्रेस है, तो उस डिटर्मिनेंट्स को हम दो या दो से ज़्यादा टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो हम LHS लेके चलेंगे, LHS इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस ए, सेकेंड रो वाई प्लस बी, थर्ड रो जेड सी जेड प्लस सी। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने कॉपी किया। अब देखो, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से हम इसे ओपन करेंगे, तो एक्स ए को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब देखो, यहां पे मैं फर्स्ट एलिमेंट को रोक लूंगा, तो एक्स वाई बी वाई जेड सी जेड प्लस फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही कॉपी कर दिया मैंने, एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम को भी मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, ए बी सी, और थर्ड कॉलम में अब यहां पे देखिए, फर्स्ट एलिमेंट को हम यहां ले चुके हैं, तो सेकेंड एलिमेंट अब हमें लेना पड़ेगा ए बी सी, ए बी सी, ठीक। और थर्ड प्रॉपर्टी में आपको मैं ये बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है, या हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में आपको ये बताया था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। यहां पे हमने प्रॉपर्टी फाइव यूज की, प्रॉपर्टी फाइव। अब सुनो, देखो, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो जीरो प्लस, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो जीरो इक्वल टू जीरो। यहां हमने प्रॉपर्टी कौन सा यूज किया, यहां पे हमने प्रॉपर्टी थर्ड यूज किया, ठीक है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये हमने प्रूव्ड कर लिया क्योंकि हमें जीरो प्रूफ करनी थी, ठीक है। कॉपी कीजिए, क्वेश्चन टू देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन टू में भी आपको जीरो प्रूफ करना है, क्वेश्चन थ्री में जीरो प्रूफ करना है, क्वेश्चन फोर में जीरो प्रूफ करना है, क्वेश्चन फाइव में जीरो प्रूफ करना है, क्वेश्चन सिक्स में जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। अब सुनो, क्वेश्चन टू को देखो, आप क्वेश्चन टू को आप जीरो प्रूफ करना है, क्या करोगे आप, कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको LHS लेके चलता हूँ, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब सोचो कि, अब सुनो, मैं चाह रहा हूं कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को जीरो कर दो, ठीक। तो R1 में ऑपरेशन करता हूँ, R1 में ऑपरेशन करूँगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों रो को मैं जोड़ दूंगा, तीनों रो को जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा, A माइनस बी प्लस
माइनस सी प्लस सी माइनस ए, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी कैंसिल आउट हो रहा है, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री जीरो। और सेकेंड रो और थर्ड रो को कॉपी कर लो क्योंकि इसमें हमने कोऑपरेशन नहीं लगाया, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस बी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप जीरो को छोड़ोगे, जीरो को छोड़ोगे तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप ढक दोगे, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज़ीरो मिलेगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। और यही हमें प्रूफ करना था। देयरफोर LHS इक्वल टू RHS, यहाँ हमने प्रॉपर्टी सिक्स यूज़ किए। ठीक है, अब क्वेश्चन थ्री देखते हैं। क्वेश्चन थ्री में जीरो प्रूफ करनी है तो LHS लेके सबसे पहले चलो। टू सेवन सिक्सटी फाइव, थ्री एट सेवेंटी फाइव, फाइव नाइन एट्टी सिक्स। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो। हमें तो यहां प्रॉपर्टी फाइव दिख रहा है, क्या मैं 65 को, क्या मैं 65 को 63 प्लस 2 लिख सकते हैं? ठीक है, 63 प्लस 2 लिखेंगे तो टू टर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा ये, तो हम डिटर्मिनेंट्स भी टू टर्म में उसको एक्सप्रेस कर देंगे, सम ऑफ टू टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम को तो मैं ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ, टू थ्री फाइव, सेकेंड कॉलम को भी कॉपी कर लिया, सेवन एट नाइन, थर्ड कॉलम को हम लिखेंगे 63 प्लस 2 और 72 प्लस 3, 81 प्लस 3, 81 प्लस 5। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। ठीक है, अब सुनो करोगे क्या, मैं इधर करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को कॉपी कर लिया, टू थ्री फाइव, सेकेंड कॉलम को सेवन एट नाइन। अब मैं फर्स्ट एलिमेंट को कॉपी कर रहा हूँ थर्ड कॉलम से, ठीक है, तो 63 72 81 प्लस, फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, टू थ्री फाइव, सेकेंड कॉलम को सेवन एट नाइन, थर्ड कॉलम से हम सेकेंड टर्म को कॉपी करेंगे तो टू थ्री फाइव। ठीक है, अब देखो यहां प्रॉपर्टी थ्री यूज हो रहा है ना। देखो इससे मैं नाइन को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है, नौ सती तिरसठ, नौ अठे बहत्तर, नौ नौ इक्यासी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट्स में हम किसी एक रो से कॉलम ले सकते हैं, सॉरी कॉमन ले सकते हैं, और किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया यहां से नाइन को कॉमन, है ना, नाइन को ले लिया कॉमन, टू थ्री फाइव सेवन एट नाइन, सेवन एट नाइन प्लस, ये जीरो होगा प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग से। देखिए फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, जीरो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे थर्ड यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड कॉलम
थर्ड कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, प्रॉपर्टी थर्ड यूज़ की हमने। तो 9 × 0 + 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0। देयर फोर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। क्वेश्चन फोर देखते हैं। क्वेश्चन फोर आपको शायद देखने में बहुत ज्यादा टफ महसूस होता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमें, फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है वो हमें 1-1 देख रहा है, और कहीं भी आपको 1-1 दिखे तो उसको आप 0 बनाने में बहुत आसान हो जाएगा आपको, ठीक है, बहुत इजी से आप 0 बना सकते हो ऑपरेशन लगा के। तो LHS लेके चलते हैं सबसे पहले। वन वन वन, बी सी सी ए बी, ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं ऐसा करूंगा इसे कि सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करूंगा। वन वन वन, बी सी सी ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी। अब यहां पे देखो, ए बी ए सी है हमारे पास में, बी सी की कमी है, ए बी बी सी है, सी ए की कमी है, ए बी ए सी और हमें बी सी की कमी है, ठीक है। देखिए यहां पे मिस्टेक है आपका, मल्टीप्लाई करेंगे जब इसको आप तो बी सी मिलेगा, है ना, तो ए बी की कमी यहां पे है। तो अगर मैं यहां पे, अगर मैं यहां पे थर्ड कॉलम में ऑपरेशन कर दूं, ठीक है, सी थ्री प्लस सी टू करूं, तो देखिए क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट कॉलम को ऐसे ही कॉपी कर दिया मैंने, सेकंड कॉलम को भी कॉपी कर दिया, बी सी सी ए ए बी, ठीक, सी थ्री ए बी ए सी है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहां से, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, या तो आप सी ए लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। उसके बाद में ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा करने से क्या होगा कि थर्ड कॉलम से हम यहां से कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल होगा तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कॉलम से हम कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या तो सी आप लिख सकते हैं, कॉमन लेंगे तो वन वन वन, बी सी सी ए ए बी, वन वन वन, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो प्रॉपर्टी थ्री के हिसाब से क्या होगा, जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, देयर फोर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन फाइव देखते हैं। देखिए क्वेश्चन फाइव है, आपको प्रूफ करनी है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट्स ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड,
ठीक है। अब देखो अगर इसे आप देखें, अगर इसे देखें तो ये ऐसा रहा होगा कि ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, तब तो ये ट्वाइस हुआ होगा, ऐसा ही रहा होगा, तो ये ट्वाइस हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रॉपर्टी यहां पे फाइव अप्लाई करेंगे, हम प्रॉपर्टी फाइव अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, सबसे पहले तो एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलेंगे तो बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब क्या करें, अब ऐसा करो कि इसको दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो बनाओ b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। हम थर्ड रो से बनाएंगे, हम थर्ड रो से दूसरी डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को कॉपी कर लिया a p x ए पी एक्स, ठीक है। प्लस फर्स्ट रो सेकेंड रो को हम कॉपी कर लेंगे तो बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स। अब सेकेंड एलिमेंट को देखो, क्योंकि फर्स्ट टर्म को हमने कॉपी ले कर चुके हैं, ठीक है। तो बी क्यू वाई बी क्यू वाई बी क्यू वाई, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, तो मैं इसको कह देता हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फर्स्ट और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट लेके चलता हूं मैं, अब यहां पे देखो करना कैसे। तो मैं ऐसा करूं कि फर्स्ट रो में हम करेंगे ऑपरेशन, या तो आप सेकेंड रो में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं R2 में ऑपरेशन करूंगा, R2 में, R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहां पे C मिल जाएगा, R मिल जाएगा, Z मिल जाएगा, यहां से A कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से P कैंसिल आउट होगा, और यहां से X कैंसिल आउट होगा, C R Z, C R Z, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट रो को तो ऐसे ही कॉपी कर लो, b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड सी आर जेड, और थर्ड रो को तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। चलो हमें यहां से एलिमेंट मिल गए ए पी एक्स और सी आर जेड, सी आर जेड। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी क्यू वाई, बी क्यू वाई, बी क्यू वाई के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑपरेशन करें आर वन में, फर्स्ट रो में ऑपरेशन करें, आर वन माइनस आर टू कर दें, आर वन माइनस आर टू कर दें, तो यहां से हमें बी क्यू वाई मिल जाएगा, ठीक है, बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट रो बी प्लस सी माइनस सी, ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है, क्यू प्लस आर
माइनस आर, ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्यू बी मिल गया, ठीक है। उसके बाद में वाई प्लस जेड माइनस जेड, ये कैंसिल आउट होगा वाई, ठीक है। यहाँ तक तो हमें फाइंड आउट हम यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या, अगर देखो ढंग से, आप देखो इसे ढंग से देखो, तो ए पी एक्स फर्स्ट रो में है और बी क्यू वाई सेकेंड रो में है, सी आर जेड थर्ड रो में है, तो क्या करेंगे R1, या तो ऐसे करते हैं कि R2 इंटरचेंजिंग R3, BQY, अब इंटरचेंज करोगे तो APX CRZ, ठीक है। अभी भी काम नहीं बना है, APX को हमें फर्स्ट रो बनाना है और बी क्यू वाई को सेकेंड रो बनाना है और सी आर जेड थर्ड में तो पहुंच गया। फिर हम यहां क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा करो कि आर वन इंटरचेंजिंग आर टू, ठीक है, आर वन इंटरचेंजिंग आर टू। जब ऐसा करोगे तो आपको यहां से मिलेगा ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, ठीक है। एक तो हमें यहाँ से पता चल गया और इसको हमने मान के रखा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए वन, ठीक है। मैं डेल लेके चल रहा हूँ तो डेल वन मान के रखा हूँ। पहले यहाँ तक आप कॉपी करो, जगह भी नहीं बचा हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा रहने दो। अब हम चलते हैं इसे लेके, ठीक है। तो इसमें क्या करें, सुनो, हम डेल टू में करेंगे यहां से ऑपरेशन, ऑपरेशन करेंगे हम आर वन में, ठीक है। तो आर वन माइनस आर थ्री, ठीक है, और पहले से तो कॉपी करो, तो R1 में ऑपरेशन करेंगे तो यहां से B कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हमारे पास में C बचेगा, है ना, C, और यहां पे बचेगा R और यहां पे बचेगा हमारा Z, ठीक है। सेकेंड रो को ऐसे ही कॉपी करना, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, B Q Y। अब क्या करोगे, देखो अब ऑपरेशन करो आप सेकेंड कॉलम में, सॉरी सेकेंड रो में, सेकेंड रो में करेंगे तो सेकेंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो यहां से C आपका कैंसिल आउट होगा, R हो जाएगा, Z हो जाएगा, तो आपको सी आर जेड तो मिल चुका, सी आर जेड मिल चुका, बी क्यू वाई मिल चुका, आपको ए पी एक्स चाहिए, ए पी एक्स, तो यहां से आपको ए पी एक्स तो मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को तो कॉपी कर लिया, थर्ड रो को भी कॉपी कर लिया, उसके बाद में ए पी एक्स यहां से हमें मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, देखो C प्लस A सेकेंड रो, ठीक है, माइनस C कैंसिल आउट होगा, उसी तरीके से R प्लस P माइनस R कैंसिल आउट होगा और Z प्लस X और माइनस Z ये कैंसिल होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, काफ़ी लंबा खींचेगा, उतनी जगह भी हमारे पास में नहीं बचेंगे। तो यहां से डेल टू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहां थोड़ा ढंग से देखिए, ढंग से देखिए, ए पी एक्स फर्स्ट रो में है, बी क्यू वाई सेकेंड रो में है, सी आर जेड थर्ड रो में, क्या करना पड़ेगा हमें, तो इसको हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा,
करते हैं इंटरचेंज, R1 इंटरचेंज R2, तो इधर करेंगे हम A P X C R Z B Q Y। अभी भी आपका काम नहीं बना हुआ है, अभी भी आपका काम नहीं बना है, याद रहे। ये फोर जैसा लग रहा है ना। अब ऐसा करो कि इसको चेंज कर लो, तो R2 इंटरचेंज R3, तो काम तो बन जाएगा हमारा A P X C R B Q Y C R Z। अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अब एडिंग कर दें तो यहीं ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है, काफी जगह है, हम यहां से कर सकते हैं। ऐड करेंगे हम ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड प्लस ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। इसको ऐड करेंगे तो फाइनली आपको यहां मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, और यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। कॉपी कीजिए।